अस्सलाम वालेकुम जी, मकरोना बना रही हूँ तो आप सबके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने इसको नमक और ऑयल में अच्छे से पानी में बॉईल कर लिया है। इसको उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है मकरोने को। साथ ही मैंने एक मीडियम साइज का प्याज कट कर लिया और साथ ही ये केचप और चिली सॉस और ये चिकन को मैंने रेशेदार कर लिया है। मेरे पास ये चिकन अवेलेबल थी तो मैंने इसको इस तरह से रेशे कर लिया। आगे मैंने प्याज को रेशे में डाल दिया। इनको थोड़ा सा हम सोक कर लेंगे ऑयल में, कलर नहीं देंगे जी। मैंने नमक ले लिया है 1.5 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने भर के ले लिया जी चाट मसाले का। ब्लैक पेपर है जी और रेड मसाला है जी। तकरीबन प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करने के बाद अब मैंने इसके अंदर ये मकरोना भी बॉयल ऐड कर लिया है। अब स्पाइसेस ऐड करते हैं जी। मैंने अब तमाम स्पाइसेस भी ऐड कर ली हैं। थोड़ा सा टमाटो का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अब जी इसके अंदर जा रहा है जी थोड़ा सा चिली सॉस, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ग्रीन हरी मिर्च ऐड कर ली है। अब इसमें थोड़ी सी केचप भी ऐड कर रही हूँ। मज़ेदार सा जी हमारा मकरोना पास्ता बन के रेडी है। ये ले जी मज़ेदार सा हमारा ये मकरोना पास्ता बन के रेडी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है और झटपट बनने वाली है। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।